हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ कि आज अभी कुछ 6 हुआ है, 5:36 अराउंड होगा। मैं सुबह उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा ऑफिस है। आज मैं बोली, जैसे कि मैं पहले बोली थी, मेरा 24/7 रहता है तो पूरा वीकेंड नहीं रहता, तो आज मेरा ऑफिस है इसलिए जल्दी उठना पड़ा। उठ के मैं सोची कि आज चलो आप लोग के साथ आज दिन स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो क्या करूँ, अभी मैं अपना चाय बिठाई हूँ जैसे नॉर्मल, मेरा फर्स्ट चाय। तो अभी मैं मेरे बालकनी में हूँ, चाय बन रही है, तो एक बार चाय बन जाए तो लेके मैं लॉगिन करूँगी। मेरा लॉगिन टाइम 7:30 है, तो वही लॉगिन करना होगा। अभी स्टार्ट हो गया है, अभी से 5 दिन। और क्या, और मैं आपके साथ एक सोच रही हूँ, मैं आज एक बात शेयर करूँ जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ आज इतने दिनों में। लगभग मेरा IT इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस 9 साल हो गया है, बट मेरा जो कॉलेज था जब मैं BTech कम्प्लीट की, तो मेरा कॉलेज इतना बड़ा नहीं था, तो वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं मतलब जैसे कि हम ऑफ कैंपस देते हैं, फिर कुछ कोर्स करते हैं जो कि नॉर्मली सबको पता ही है, जो लोग BTech वगैरह करते हैं और नॉर्मल कॉलेज वगैरह से करते हैं। तो मैं भी उससे की थी लगभग 4 ईयर्स, नहीं आई थिंक 3 ईयर्स स्ट्रगल के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिला, जो कि तब मेरे लिए एक ड्रीम जॉब था। ऑब्वियसली सबके लिए एक अच्छी कंपनी में जॉब करना ड्रीम जॉब ही होगा, जो लोग मतलब जॉब करना चाहते हैं। तो मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ा वो टिप्स या जो भी मैं एक्सपीरियंस की हूँ क्योंकि वो थोड़ा शेयर करूँगी, क्योंकि हम तब क्या था, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे हमारे टाइम में, लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है जॉब ढूंढने का, सर्च करने का। लेकिन आजकल मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि कैसा है, क्या है, मैं कैसे स्टार्ट की थी स्ट्रगलिंग, और मतलब सर्च करना कैसे स्टार्ट की थी, कैसे सर्च की वगैरह वगैरह। तो ये प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए, बीच में मत छोड़िए, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। आज थोड़ा सा टिप्स मिलेगा जो लोग अभी जॉब सर्च कर रहे हैं या BTech फाइनल ईयर में है या जॉब के लिए सोच रहे हैं या कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो कीप वॉचिंग, डोंट स्किप इन बिटवीन प्लीज। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग के साथ कुछ बात शेयर करना पेंडिंग था ना, इसलिए फिर से स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि ऑफिस में, ऑफिस के बीच में वो वर्क फ्रॉम होम है, स्टिल वर्क रहता है, तो बीच में छोड़ के फिर आना बहुत इजी मतलब नहीं हो पाया। तो अभी ख़त्म होने के बाद में फिर से आप लोग के साथ शेयर टाइम स्पेंड करने के लिए आ गई। तो जैसे मैं बोली थी कि लाइक आपके आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइक हाउ टू हुएवर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब और हुएवर सर्चिंग फॉर जॉब, लाइक हाउ आई फील व्हेन आई वाज सर्चिंग एंड हाउ वाज दैट फेज, एंड इन दैट फेज हाउ यू फील व्हेन यू आर गेटिंग रिजेक्शंस एंड ऑल। सो विल आई टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दैट। सो बिकॉज लाइक अवर फॉर आवर लाइफ ईच फेज इज़ इम्पोर्टेंट, सो आपको हर फेज में जाना, हर फेज में मतलब लाइफ का हर फेज के थ्रू जाना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर फेज में लाइक क्या पेशेंस रखना होगा। किसी किसी के लाइफ में ऐसे होता है कि उनको तुरंत ही जो चाहिए जिसके लिए वो ट्राई करो मिल जाता है, किसी किसी को बहुत ही लेट मिलता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में मैं कोई भी चीज़ मुझे जल्दी नहीं मिली है, लेकिन जो भी मिली है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं आज तक कभी रिग्रेट नहीं की हूँ कि मुझे क्यों ये जल्दी नहीं मिला, क्यों ये लेट मिला, क्योंकि कभी कभी होता है, वी कैन दैट इज़ नॉट इन आर हैंड, बट ओनली इन आर हैंड इज व्हाट वी कैन डू द ट्राई, कीप ट्राइंग। सो आई कैन से द बेस्ट वन थिंग, लाइक नेवर क्विट, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। लाइक हम पहले क्या होता था, हम लोग जब कॉलेज में थे या तब तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल लाइक स्मार्टफोन भी उतना नहीं था, तो ओनली हम लोग के पास एक ही था कि मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन यू नीड टू ट्राई फॉर जॉब और यू नीड टू ट्राई फॉर हायर स्टडी। सो हायर स्टडी किसी किसी के मतलब मोस्टली लोगों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि ये डिफिकल्ट रहता था, मतलब मनी वाइज फिर उसका सिलेक्शन कहाँ पढ़ेंगे वो बहुत सारा रहता है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते थे, जॉब को ऑप्ट करते थे। तो क्या होता है कि जब आप अगर कुछ अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, जैसे कि NIT, IIT, IIT को तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मतलब अलग ही दुनिया है, NIT भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको छोड़ के अगर आपके स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज है, वो कहीं से भी आप पास आउट हो, तो नॉर्मली कॉलेज में आ जाता है, कैंपस आप कैंपस में अटेंड करते हो जाता है, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन टेक फॉर एग्जाम्पल आपका एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज से पास आउट हो और अभी भी ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, लेकिन वो कॉलेज में क्या होता है, कैंपस नहीं आती है, और मैं बोल रही हूँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, और रिमेंबर वन थिंग, एवरेज स्टूडेंट होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर कोई इंटेलिजेंट हो ये कंपलसरी भी नहीं है। इंटेलिजेंस आप, अगर आप बॉर्न इंटेलिजेंस नहीं है, कोई भी बॉर्न इंटेलिजेंस नहीं होता है, सब कोई अपने ट्राई करने से करने के बाद ही होते हैं। सो कीप ट्राइंग वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, एंड लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि कुछ ना कुछ आप हमेशा लर्न करते रहिए, तो क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर आपके पास जो नॉलेज है ना वो कभी बेकार नहीं जाएगा, कंपलसरी है ये। तो
मैं कुछ बताना चाहूँगी लाइक कि जो अभी जो जॉब स्ट्रगल कर रहे हैं या जो फिलहाल अभी जॉब सर्च करेंगे या करने जा रहे हैं या कोई स्ट्रगल कर रहे हैं सर्च करने के लिए, तो उनको मैं एक ही बात मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बात बोलूँगी कि डोंट लूज होप, कभी भी होप मत छोड़िए कि नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जब स्ट्रगल स्टार्ट की थी मुझे 3 साल लगे थे फर्स्ट जॉब क्रैक करने के लिए। फिर 3 साल के अंदर मैं बहुत सारा जॉब ट्राई की हूँ, की भी हूँ, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं था। कहीं पे मुझे 4000 सैलरी मिला, कहीं पे 3000 मिला, कि लेकिन मैं की क्योंकि क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ वो 3000-4000 सैलरी से बहुत ही ज़्यादा था, जो कि मुझे 3 साल बाद जो अच्छा कंपनी मिला वहाँ पर मुझे बेनिफिट हुआ। अगर आप सैलरी को देख के वो 2-3 साल छोड़ दोगे ना ही आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, ना ही सैलरी आएगा, ना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप अभी स्ट्रगलिंग हो, स्ट्रगल कर रहे हो या कुछ जॉब सर्च करने के मूड में हो, तो अगर आपको कुछ अच्छा मिल जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, सुपर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहीं पे भी एंगेज हो जाओ, जहाँ पे आपको कुछ भी थोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी मत देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, तो वहाँ पे आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। नेवर नो, अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ऐसे नहीं कि आप रिलैक्स, हाँ मुझे मिल गया अभी, मुझे तो अभी बहुत सीखना है, ऐसे नहीं। आप ज्वाइन कीजिए पार्लर, यहाँ पे ट्राई करते रहिए। पता नहीं आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कहीं किसी टाइम पे मिल सकता है, कोई नहीं बता सकता ये। इसलिए ट्राई करते रहिए और मतलब कहीं पे अगर आपको मिल रहा है तो आप मतलब वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे नहीं छोड़ देना, ये सैलरी इतना कम है, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मुझे अच्छा सैलरी वाला चाहिए, ऐसे मत के छोड़िए मत। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको ग्रैब कीजिए, वहाँ से लर्न कीजिए। ये है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको मतलब आजकल जो इंटरनेट का दुनिया है ना, सब हर कुछ सब कुछ इंटरनेट में मिल रहा है सब कुछ, तो आजकल और एक एडवांटेज है फ्रीलांसिंग में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। फ्रीलांसिंग क्या है, आप घर से कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, पैरेलली कुछ काम के लिए कर सकते हो, काम कर रहे हो इधर भी कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में से नॉर्मल भी नहीं है, पैंडेमिक के बाद तो शायद सबके पास स्मार्टफोन होगा, अभी हायर रेजोल्यूशन और हायर कॉन्फ़िगरेशन वाला, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन के लिए तो आप डेफिनेटली हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मोबाइल लिए होंगे। तो आप अगर आप मोबाइल आपके पास है इतना अच्छा, उसको वेस्ट मत कीजिए। और सबके पास डेफिनेटली सोशल मीडिया अकाउंट होगा, राइट? ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, आपके पास हाई एंड मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, और क्या चाहिए? आप जस्ट इंटरनेट में सर्च कीजिए फ्रीलांसिंग जॉब। आपको सबसे अच्छा है अगर आप लिखना चाहते हो और कुछ लिख सकते हो तो कंटेंट राइटिंग द बेस्ट। आप उसमें पर आवर इनकम कर सकते हो, पर वार इनकम कर सकते हो, लेकिन ओनली क्या करना है आपको, लिखने लाइक यू हैव टू गेन नॉलेज हाउ टू राइट। वो तो आप गूगल से भी सीख सकते हो, कुछ वहाँ उसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है लिखना, क्योंकि आप ऑलरेडी लिख रहे हो, इतने दिन से लिख रहे हो, वही मोड ऑफ राइटिंग को थोड़ा आपको चेंज करना है, ये द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अनदर एक है, अगर आप एडिटिंग शौक है आपको, अगर आप अच्छा एडिट करते हो, डेफिनेटली आप वीडियो एडिट करते होंगे, उसमें नो डाउट। तो एक आपको ऐप भी पता होगा, एक कैनवा, वहाँ पे आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, यूट्यूब के लिए कुछ भी बना सकते हो उसमें एडिटिंग में, और द बेस्ट प्लेस फॉर एडिट फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। आप उसमें आपको 1 मंथ उस पर फ्री अकाउंट मिल जाएगा। और इंटरनेट में आप सर्च करोगे हाउ टू अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग जॉब, वहाँ पे बहुत सारे साइट्स है, बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पे आप लॉग इन करके आपके प्रोफाइल अपडेट करके फ्रीलांसिंग का जॉब ले सकते हैं। इससे अच्छा और क्या है, मतलब आपको अगर आप करना चाहो तो इनकम सोर्स बहुत है, लेकिन अगर आप चाहो तो नहीं, अगर आप चाहोगे नहीं इतना कौन, लेकिन उसके पीछे मेहनत तो करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, नाइदर जॉब नाइदर मनी, एनीथिंग यू नेवर गेट। सो आपको काम करना ही है, और ये दोनों छोड़ के अगर आप ये दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कीजिए जो आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आप करना चाहते हो। और अगर आप कुछ स्टार्ट किए हो अभी तक, उसमें आपको इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आप उसको छोड़ना चाहते हो, रिमेंबर दिस, डोंट लीव दैट। अगर आप कुछ स्टार्ट किए हो उसको कंटिन्यू करो, छोड़ियो मत। बहुत ही खराब आदत है जो काम को आप एक बार स्टार्ट करके बीच में छोड़ रहे हो। हाँ माना कि आपको कुछ दिक्कत होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन डोंट टेक दिस डिसीजन, दिस इज द रॉन्ग। इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड देन फिनिश इट। जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, एज ए वुमेन एक लड़की होने के लिए, मैं आजकल आपको पता ही होगा कि नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएशन करते हो उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रहा है दो साल तीन साल तक, तो आप इमेजिन कर सकते हो किसी के घर में आपको छोड़ेंगे कि एक लड़की होने के तब लाइक इन 23-24 एज, हाँ कि हाँ और भी ट्राई करो। लेकिन करेंगे कब, करेंगे फैमिली भी सपोर्ट करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे कब करेंगे, जब आपका इंटरेस्ट होगा,
जब आप उनको कन्विंस करोगे कि नहीं मैं जो इस लाइन में ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो लाइन करेक्ट है, भले ही मुझे तुरंत सक्सेस नहीं मिल रहा है या मैं कहीं पे क्रैक नहीं कर पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगी, क्या करूँगा जरूर, ये मुझसे होगा और मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, मैं सबके लिए बोल रही हूँ ये, तो डेफिनेटली एवरीवन विल सपोर्ट यू। डोंट टेल दैट 2 साल से मुझे नहीं मिला, 3 साल से नहीं मिला, अब क्या मिलेगा, नहीं। मैं स्टार्टिंग में ही बोली, किसी को जल्दी मिलता है कभी, किसी को थोड़े देर के बाद मिलता है, किसी को थोड़ा लेट में मिलता है, लेकिन अगर आप डेफिनेटली फोकस करोगे और हार्डवर्क करोगे मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं बोली मैं 3 साल ऐसे ही काम की, मतलब कहीं पे मुझे सैलरी नहीं मिला, कहीं पे 2000, कहीं पे 3000, फिर भी मैं की, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे करना था, मुझे पता था ये करने के बाद मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और जो मुझे मिला भी, और आज तक, और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ मैं आज तक कभी पीछे मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखी, क्योंकि एक बार आप स्टार्ट हो जाओगे ना उसके बाद एक के बाद एक अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा डेफिनेटली। ये मैं मतलब आपको दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत ही होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो डेफिनेटली मेरे वर्ड्स को सीरियसली लो, डेफिनेटली आप भी सक्सेस होंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, जस्ट हैव सम पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, तो आप लोग बोलोगे बहुत ज़्यादा स्पीच दे रही है, और नहीं बोलूँगी, बस इतना ही, और रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर ये आप ट्राई करो, कभी भी फेल नहीं हो डेफिनेटली। और प्लीज़ सब्सक्राइब, रेड बटन दबा दीजिए प्लीज़, और मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब करने से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ आप, मैं जो बोल रही हूँ आपको रिसीव कर रहे हो, आप मैं जो कर बोल रही हूँ या कर रहे हो आपको पसंद आ रहा है, तो मुझे और दूसरा बनाने के लिए और कुछ नया लाने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।